हेलो एंड गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिस इज चांदी स्वर्ण एंड एज यू ऑल नो दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड टू पार्ट्स राइट हमने दो पार्ट कवर किया है थर्ड पार्ट में हम इसे कंक्लूड कर देंगे मतलब एलेक्जेंडर पोप को हम कवर कर देंगे ठीक है नाउ यू कैन गेट माई लेक्चर एट थ्री पी ऑन अ डेली बेसिस और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ जून ट्वेंटी के लिए जे के लिए स्मार्ट प्रवेशन करने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन आपके लिए लेकर आया है इंग्लिश लिटरेचर का कंप्लीट कोर्स जिसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें शॉर्ट एंड स्मार्ट के साथ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उसके साथ ही आपको फुल सिलेबस नोट्स डाउनलोडेबल पी डे एफ में अवेल कराया जाएगा जिसे आप अपने मोबाइल लैपटॉप पर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो उसके साथ ही आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे जिसे एज एस एड्स क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं मॉक टेस्ट आपके फाइनल प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करता है तो गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हो और सबसे अच्छी बात इस कोर्स की अगर यू गोइंग टू डू इट कंप्लीट पेपर वन कोर्स फॉर फ्री ना फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो इस जो सेक्शन पे जाओगे आपको सारे कोर्सेज की जानकारी यहाँ से मिल जाएगी सर्च बार में डाक लेकिन कोर्स का नाम लिखोगे तो कोर्स कावर व्यू आपके सामने आ जाएगा इसकी ड्यूरेशन इसकी फ़ीस आपको हर चीज़ मिल जाएगी कंटेंट सेक्शन पर क्लिक करते हो तो यूनिट वाइज जो है आपको फोल्डर्स अवेलेबल मिलेंगे हर एक यूनिट में थियरी लेक्चर्स एवालन नोट्स मॉक टेस्ट एंड एमसीक्यूज आपको मिलेंगे इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसके साथ अगर आप ग्लोबल ऑनलाइन पेज कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा जहाँ पे हर एक सेशन की पी आप लोगों के साथ में प्रोवाइड करवाई जाएगी ओके नाउ लेट स्टार्ट विद द लेक्चर नाउ वी जैसा कि हमने एलेवेंथ लेक्चर जो है ग्यारह लेक्चर जो है हमने बेसिकली वर्क्स कवर किए हैं एलेक्जेंडर पोप के तो हम आज ट्वेल्थ से शुरू करेंगे <coughs> ट्वेल्थ जो वर्क है वो है एन एस ऑन मैन सेवनटीन थर्टी थ्री सेवनटीन हंड्रेड थर्टी फोर ठीक है ये वर्क को बेसिकली उन्होंने डेडिकेट किया था किसी को डेडिकेटेड टू हेनरी सेंट जॉन फर्स्ट विस्काउंट ओके सो डू रिमेंबर उन्होंने इस वर्क को डेडिकेट किया है किसी को जिनका नाम है हेनरी सेंट जॉन और वो थे फर्स्ट विस्काउंट ठीक है विस्काउंट बॉलिंग ब्लॉक नाउ बिगिनिंग विद द लाइन अवेक माई सेंट जॉन So, ये जो स्टार्टिंग uh, जो लाइन है बिगनिंग जो कर रहे हैं इस वर्क की वो लाइन क्या है अवेक माई सेंट जॉन लाइक इट्स लाइक जागो काइंड ऑफ का दिस पोएम्स एम्स टू जस्टिफाई और विंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन ओके इकोइंग जॉन मिल्टर सजर्शन इन द ओपनिंग ऑफ पैराडाइज लॉस टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन आपको ये वर्क पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि इनका मेन जो टारगेट ये था कि ताकि आपको गॉड के दिखाए हुए रास्तों का पता चले और गॉड के दिखाए हुए रास्तों को ये जस्टिफाई भी कर रहे हैं ठीक है ना इट एक्सप्लोर्स अ नेचुरल ऑर्डर डिक्रीड बाय गॉड फॉर ह्यूमैनिटी अजरथिंग दैट ह्यूमंस कैन नॉट फुली कॉम्प्रहेंड गॉड्स इंटेंशन द पोएम सजेस्ट एक्सेप्टेंस ऑफ वंस प्लेस इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ एग्जिस्टेंस विद द नोशन दैट वॉट एवो एज इज राइट जैसा कहा जाता है जो हुआ है अच्छा हुआ है जो होगा अच्छा होगा जो हो रहा है अच्छा हो रहा है ओके okay? और बेसिकली कहने की कोशिश ये है कि हर चीज़ को समझने की कोशिश ना की जाए आप बेसिकली पूरे ग्रैंड जो स्कीम चल रही है गॉड की ठीक है आप एक छोटे से उसके पार्ट हैं ओके बेसिकली नॉट दैट इम्पोर्टेंट पार्ट ओके तो इतना ज़्यादा हर चीज़ समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए है ना ये सजेशन दी गई है आपको और एक्सेप्ट करना चाहिए जो भी गॉड का प्लान है ना इट टॉक्स अबाउट हाउ ह्यूमन शुड एक्सेप्ट देयर प्लेस इन द वर्ल्ड एज डिटरमाइंड बाय गॉड जो भी गॉड के द्वारा आपका एक प्लेस डिटरमाइंड है उसको आप एक्सेप्ट करें ये जो है वर्क में वो कह रहे हैं ना आप कभी भी जो है गॉड के इंटेंशन और गॉड का जो है प्लान नहीं समझ सकते हैं सो दे शुडंट कंप्लेन अबाउट द पोजिशन इन लाइफ बट शूड इंस्टेट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर जैसी चीजें चल रही हैं जैसी हैं आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए अब आप ये समझिए कि जब ऐसे ऑन मैन आया ठीक है लॉट्स ऑफ पीपल जो है बहुत लोगों को ये बहुत पसंद आया था यूरोप में जैसे नर्स इट वॉज द बेस्ट डायडेक्टिक पोएंग इन्होंने वॉल्टेयर ने कंप्लेन बेसिकली कॉम्प्लीमेंट दिया है नॉट कंप्लेन आगे जाके वो ये चीज़ करने वाले हैं रिजॉर ने भी इसे कंफर्टिंग कहा है वॉल्टेयर ने इसे बेस्ट डायरेक्टिव पोएम जो कि शिक्षा देने के लिए या सिखाने के लिए होती है वो कहा है ठीक है इवन कांत ने अब जो कि एक फिलोसोफर हैं फेमस फिलोसोफर वॉज अ फैन एंड विसाइड पार्ट्स अफेक्ट टू हिज फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को भी रिसाइड करते थे जैसे हम बहुत सारे सॉरी स्टूडेंट्स को रिसाइड करते थे नॉट फ्रेंड्स एम रियली सॉरी फॉर दैट ना कांत बेसिकली जैसे हम लोगों का एग्जाम्पल ही ले लेते हैं जब कोई चीज़ हमें बहुत पसंद आती है तो या तो हम फ्रेंड्स को फैमिली को स्टूडेंट्स को या किसी से भी हम बार बार वो रिपीट कर रहे होते तो कांत को ये चीज़ बहुत पसंद आई थी इस वजह से जो है फैन कह सकते हो आप उनका इस वर्क का उन्हें और इस वर्क के लाइंस को वो रिसाइड करते थे बार बार अपने स्टूडेंट्स के

सॉफ्ट एंड एंड ब्रिंग्स मी पेशेंस सी रजाओं ने कॉम्प्लीमेंट दिया है बट कहाँ दिया है कैसे दिया है तो वॉल्टर को लेटर लिख के इन्होंने इस चीज़ को एडमायर किया है अपनी एडमिशन एक्सप्रेस की थी ठीक है और जो कोटेशन था सॉफ्ट एंड माई इल्स एंड ब्रिंग्स मी पेशेंस ये आपको याद रखना है नो no? बट आगे जाके क्या होता है वॉल्टर डिसाइडेड ही पोप एंड लाइवनेस ऑप्टिस्टिक आइडियाज इन बो बहुत बाद में आके जो है एक ऐसा पोजीशन आता है जहाँ पे इन्हें पता चलता है कि नहीं मुझे नहीं पसंद ना लेबनस की आइडियाज़ मुझे पसंद है ना ही पोप की जो फिलॉसफी है मुझे पसंद है उन्होंने एक बुक लिखी कैंडिड ताकि इन सारे वर्क्स को वो सितार कर सके मॉक कर सके फन उड़ा सके है ना परफेक्ट चेन गॉड तो ये जो एक बिलीव था कि ना परफेक्ट इट्स अ लाइक गॉड्स प्लान और गॉड्स प्लान इज़ अ परफेक्ट चेन तो ये जो फिलोसफी थी ना इसके अगेंस्ट भी रोशाव थे इनको कुछ इश्यूज थी इस चीज़ से ऑफ कोर्स वो चीज़ें लाइक करते थे बट बाद में चीज़ें चेंज भी हुई ना ये जो वर्क है हीरोइक कपलेट्स में लिखी गई है और फोर एपिस्टल्स कन्जिस्ट करती है

नेचर है और जो भगवान ने क्रिएट किया है और साइंस के थ्रू क्रिएट किया है हर चीज़ों के बारे में नॉलेज है उन्हें ओके नो ही एडेड बेसिकली हावे ही वॉन्ट्स दैट इज दिस न्यू फॉर्म पावर हैज़ लेट पीपल टू बिलीव दे कैन इमिटेट गोड गॉड आपको ये भी जो है गलत फहमी हो जाती है जिसे हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं ना तो बहुत साइंस फिक्शन वर्क्स अगर आप देखोगे मूवीज में भी देखोगे तो क्या होता है कि हर चीज़ जानने के बाद हर चीज़ बेसिकली जो हमें लगता है कि हर चीज़ हम जानते हैं उसे जानने के बाद हमें ऐसा लगने लगता है कि ओके आई कैन बी अ गॉड एंड इवन आई कैन इमिटेट गॉड तो यही गलत फहमी जो है इस चीज़ के लिए लॉन्ट कर रहे हैं पोप और कह रहे हैं वो क्रिटिसाइजेस एर डिक्लेयरिंग साइंटिफिक प्रोग्रेस बहुत ज्यादा साइंटिफिक प्रोग्रेस होने के बाद भी मैनकाइंड जो है फुलश रह गई है इग्नोरेंट रह गई है जिसे चीज़ों के बारे में नहीं पता वो सजेस्ट करते हैं दैट इंस्टेड ऑफ डेल्विंग इन टू ऑनली साइंस ह्यूमन शुड फोकस ऑन स्टार्टिंग्स इससे बेहतर है कि आप साइंस को बहुत ज़्यादा साइंस में डीपली काम करें उससे अच्छा है कि आप अपने आप को समझने की कोशिश करें स्पिरिचुअली जो है इनहेल करने की कोशिश करें फंडामेंटली uh, जो है बेस जो है आप समझने की कोशिश कर लें करें वर्ल्डली नॉलेज को देने की कोशिश करें ठीक है ना अकॉर्डिंग टू पोप पीपल शुड नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड गॉड्स वे एज इट्स बियॉन्ड देयर द आपके पहुंच के बाहर है इसलिए गॉड की जो भी फिलॉसफी है और जो भी प्लानिंग है उसे तो समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए सेकेंड स्टांजा में जो है आपको ये पता चलेगा कि एक फ्रेज है देखिए द होप दैट स्प्रिंग्स इटर्नल टू ह्यूमरसली मॉक द पोएसियसटोन बेसिकली इन द सेकेंड स्टांजा ऑफ कैसे बैट ऑर यूज द फ्रेज द होप स्प्रिंग्स इटर्नल टू ह्यूमरसली मॉक द पोएस स्टोन ये जो लाइन है ना ये फ्रेज है इसी वर्क से ली गई है जो कि अर्नेस्ट थेयर ने यूज किया है अपने किस वर्क में

स्विफ्ट जॉनसन स्विफ्ट के फ्रेंड हैं जॉन गे के फ्रेंड हैं बट यहाँ पे होता क्या है टोल पोप ही वॉज वेरी सिक ऑन जुलाई सेवनटीन सेवनटीन थर्टी फोर बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं ओके okay? एंड <coughs> यहाँ पे क्या होता है कि सटारिकल पोएम्स वो लिख रहा था पोप ओके okay? वहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि मैं तुम पे भी एक स्पेशल पोएम लिखूँगा ताकि मैं ट्रिब्यूट कर पाऊँ हमारी फ्रेंडशिप को ओके okay? सो so, ये बात आपको ध्यान रखनी है सो ही ट्रिब्यूटेड अ पर्टिकुलर पोएम अ स्पेशल पोएम एज अ ट्रिब्यूट टू देयर फ्रेंडशिप ऑफ कोर्स टू जॉन आबद नॉ इसीलिए एपिस्टल टू डॉक्टर आबद नॉ टाइटल है वर्क का ओके ऑन अगस्त ट्वेंटी फाइव ना आबद नॉ डाइड ऑन फेब्रुवरी ट्वेंटी सेवन

उन्होंने प्रॉमिस किया होता है इसलिए लिख रहे होते हैं बट बाद में एक तरह तरह का ट्रिब्यूट की तरह उन्हें यूज़ uh, करते आफ्टर डेथ वेल ओके दिस पीस हैज पोप्स पोप्स मोस्ट ओवरली ऑटोबायोग्राफिकल क्रिएशन बिकॉज़ एक्चुअली इंक्लूड्स द एसेंस ऑफ़ लाइफ सो so, इसमें और भी चीज़ें उन्होंने की जैसे कि उन्होंने क्रिटिसाइज किया उन इंडिविजुअल्स को भी जो उनको अपोज करते थे है ना बहुत दिन तक उनके राइवल्स रहे 419 लाइंस की ये वर्क है जिसमें हीरोइक कपलेस को यूज किया गया है ओके स्टैंड जो है हीरोइक कपलेस में है इन इट्स कैनोनिकल फॉर्म एपिस्टल टू डॉक्टर आबद नॉ स्टैंड फॉर ऑरिजिनेटिंग द फ्रेज डैम विथ फेंट फ्रेज ओके फ्रेज भी है फ्रेज बेसिकली बहुत फेमस फ्रेज है डैम विथ फेंट प्रेस नाउ सो वाइडली यूज दट इट वॉज इट हैज बिकम अ क्लिश अमोंग इट्स मेमोरेबल लाइन इज द क्वेश्चन हु ब्रेक्स अ बटरफ्लाई अपॉन व्हील ओके बहुत बार यूज की गई है इसलिए क्लिशे भी है लेकिन फिर भी ये है इस चीज़ का पार्ट इसलिए आपको ध्यान रखना है ओके Now we have completed today's lecture. We'll meet in the next lecture. Thank you very much. Okay, all the very best.